देहरादून से खबर। 15 दिनों में नहीं होगी चारधाम में वीआईपी दर्शन, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया पत्र। सभी प्रदेश केंद्र शासित के मुख्य सचिवों को भेजा पत्र। 10 मई को कपाट खुलते ही शुरू होगी चारधाम यात्रा। 15 दिनों में नहीं होंगे चारधाम में वीआईपी दर्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 10 मई को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन भी इसमें किए गए हैं, लेकिन 15 दिनों में चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, क्या कुछ है ये पूरी खबर? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है और 10 मई से चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसमें 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं और 12 जो मई है उस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। ऐसे में जो है आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए जो शुरुआती 15 दिन है उन पर वीआईपी दर्शनों पर रोक जो है पूरी तरीके से रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका अनुमोदन मुख्य सचिव को दिया था। इसके बाद जो मुख्य सचिव है उत्तराखंड की राधा रतूड़ी, उन्होंने जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेजकर ये सूचित किया है और सभी से अपील की गई है कि जो 10 से और 25 मई तक यानी कि जो 15 दिन है इन इस समय चारधाम जो यात्रा है उसमें वीआईपी दर्शन से बचें। इसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को पत्र भेजा और क्योंकि देखा जाता है आमतौर पर जो यात्रा सीजन जब शुरू होती है और खत्म होती है तो शुरुआत की जो 15 से 20 दिन होते हैं और यात्रा के अंतिम के जो 15 से 20 दिन होते हैं तो वो एक पीक टाइम होता है यात्रा का, तो इस वजह से इसको लेकर ये सहूलियत बरती जा रही है ताकि जो श्रद्धालु हैं, आम श्रद्धालु हैं जो दूर दूसरे राज्यों से दूर दराज से जो दर्शन करने के लिए केदारनाथ आते हैं, गंगोत्री आते हैं, यमुनोत्री आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, तो उनको दर्शन आसान